students, how are you all? I hope that you all are fine and good. Today we are going to study English and our lesson 5 is The King Who Loved Nature. Okay, this is very interesting story. So let's start our chapter. Long ago there lived a king. बहुत समय की बात है, एक राजा रहता था. उसका नाम क्या था? उसका नाम पारी था. He was a very kind king. वो बहुत ही दयालु किंग था. He helped everyone. वो सभी की हेल्प करता था. King Pari loved animals and plants. He loved to spend time in the forest. King Pari को animals और plants से बहुत ज़्यादा love था. वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड करता था, कहाँ व्यतीत करता था? फॉरेस्ट में व्यतीत करता था. वन डे किंग पारी वॉज ऑन हिज वे फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द पैलेस. एक बार की बात है, किंग पारी रास्ते में था. जब वो पैलेस की तरफ जा रहा था तो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने क्या देखा? He saw jasmine plant lying on the ground. उसने एक जैस्मिन प्लांट को गिरा हुआ देखा. The jasmine plant needs support to grow properly. जैस्मिन प्लांट को सपोर्ट की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी. किंग पारी looked for some support for the plant. King Pari ने इधर उधर देखा कि मैं इस जैस्मिन प्लांट को कुछ सपोर्ट दे सकूं, कुछ सहारा दे सकूं, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला. But he did not find any support. He thought I should go to my palace first, but then the king decided not to go back. King Pari ने सोचा कि एक बात मैं सोचता हूँ, मैं पहले सबसे पहले पैलेस में जाता हूँ. फिर किंग पारी ने डिसाइड किया कि पैलेस जाऊँगा जब तक प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कोई भी पर्सन आएगा तो वो इसे क्रश कर देगा. तो वो इधर उधर कुछ प्लांट डिसाइड करने लगता है कि वो कैसे जैस्मिन प्लांट की हेल्प करे. The palace is quite far and someone might step on the plant and crush it while I am gone, said the king. King ने क्या सोचा? King ने कहा कि अगर मैं palace तो बहुत दूर है, अगर मैं जाऊँगा तो जब तक कोई भी animals, कोई भी human beings आएगा और इसे crush कर देगा, इसे कुचल देगा, ठीक है? तो सडनली एन आइडिया कम टू हिज माइंड. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. ही अनटाइड द हॉर्स फ्रॉम हिज चैरियट. चैरियट मीन्स क्या होता है? चैरियट मीन्स रथ होता है, ठीक है? तो जो हॉर्स थे, बंधे हुए थे, उन्हें किंग पारी ने खोल दिया. लिफ्टिंग द प्लांट जेंटली ही प्लेस्ड इट ऑन द चैरियट. तो जैस्मिन प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत थी तो किंग पारी ने जैस्मिन प्लांट को चैरियट का सपोर्ट दिया. उसके बाद किंग पारी ने अपना क्राउन निकाला, जो उसने मुकुट पहन रखा था. इट इज़ नोन एज द क्राउन. उसने क्राउन को निकाला और पास में एक नदी थी, झरना था, वहाँ से क्राउन में पानी फिल किया, वाटर फिल किया. द किंग वाटर्ड द प्लांट. King Pari said to the jasmine plant, "You can live safely now." King Pari ने पानी दिया जैस्मिन प्लांट को और उस जैस्मिन प्लांट से कहा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो. When I see you again, you will be covered with sweet smelling flowers. अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो तुम्हारे पास में सुंदर सुंदर स्वीट फ्लावर्स रहेंगे. किंग पारी वॉज हैप्पी दैट ही हेल्प द प्लांट. किंग पारी बहुत खुश था कि उसने एक प्लांट की हेल्प करी. ही गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रॉड होम. वो घोड़े पे सवार होके घर चला जाता है. स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी स्टोरी? इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो thank you students, I hope that you understand this video.